रहा है कि यशवंत सिग्रीवाल आज तक कोई काम किए नहीं यहाँ पर 10 सालों में, 10 साल में कुछ भी नहीं किए। अच्छा, वो बस वो अपना आते हैं इधर से प्रणाम, इधर से प्रणाम करके चल जाते हैं। महाराजगंज में स्थिति बन रही है विकास कुमार का, आकाश कुमार का, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से लोग शुद्ध हो गए। हम लोग युवा हैं, युवा का सपोर्ट करेंगे। और 15 लाख भी बोले थे, 15 लाख मिलेगा तो कितना मिला है? 2 करोड़ खाता में आया, तो वही पूछ लीजिए किसके खाते में। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखिएगा आप, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखिएगा, तो आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कहीं भी आपको देश आगे ले जाते हुए नहीं दिखेगा। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये मशरक का इलाका है और मशरक की जनता से ये जानने आए कि महाराजगंज का मिजाज क्या कहता है। सामने की अगर तस्वीर आपको दिखाए, इस वक्त प्रचार बैन लगा हुआ है और यहाँ पर चुनाव प्रचार को लेकर जो है वो लोगों के बीच बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो क्या है। आपको ये बताएं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आकाश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर मुकाबला जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से है महाराजगंज में। तो महाराजगंज की जनता से भी ये जानने आए कि जनता किन मुद्दों पर किस नेता को सपोर्ट और वोट कर रही है, महाराजगंज के लोकल मुद्दे क्या हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े लोग क्या बता रहे हैं महाराजगंज के मशरक क्षेत्र के विकास के बारे में। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विकास के कितने काम किए और शाम का वक्त है तो लोगों की जरा ये तस्वीर भी दिखाइए। क्या नाम है आपका? दुबे। क्या माहौल है दुबे जी, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा की जनार्दन सिग्रीवाल आज तक कोई काम किए नहीं यहाँ पर 10 सालों में, 10 साल में कुछ भी नहीं किए। अच्छा, वो बस वो अपना आते हैं इधर से प्रणाम करके चल जाते हैं बस। बस अभी रोड है डुमरसन से फर्ज यहाँ तक। अच्छा, ये चौक कौन सा है? डुमरसन बाजार है। हाँ, डुमरसन बाजार से रोड है फर्जैया तक। आज भी रोगी कोई चल जाए तो खुद मर जाएगा, रोगी मर जाएगा। सड़क की हालत ऐसी है महाराजगंज और कितना बार उनको खाली बोर्ड लगा हुआ है, आज तक रोड नहीं बना। बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ सिर्फ। अच्छा, और विकास के काम क्या क्या नहीं? कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पर किए हैं। तो 10 सालों से सांसद रहे तो इसी महाराज की जनता, महाराजगंज की जनता ने जिताया उनको। मोदी के नाम पर लोग दिए दिए थे, इनके नाम पर नहीं। इनके नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर लोग दिए थे। तो इस बार मोदी की लहर है कि नहीं महाराज? नहीं, महाराज में मोदी की लहर नहीं है। कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का लहर, उनके राहुल गांधी वाली गारंटी सुना आपने? तो उसका असर है क्षेत्र में? असर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? माहौल है यहाँ विकास के क्षेत्र में? अच्छा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का चेहरा नहीं देखा? सिटिंग MP है यहाँ के, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा, ये कह रहा था तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? रोजगार का मुद्दा है, ग्रुप से जुड़ा हुआ था एम इंजीनियर, 20,000 लोग थे उसमें काम करने वाले, कंपनी बंद हो गई, अब बेरोजगार हो गए सबके सब। सड़क की जरूरत तो हर व्यक्ति को है। इस बार चुनाव में आप को प्रमोट कर रहे हैं साफ तौर पर, एक और मोदी और दूसरी और राहुल गांधी। अच्छा, महाराजगंज में आकाश कोई फैक्टर बना पा रहे हैं? अभी तो यहाँ आए हैं, अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो अब लोग सोच रहे हैं कि भाई इनको मौका दें, 10 साल तो उनको दिया। आपका क्या नाम है जी? मैं अकबर अली हूँ। रही है, मैं अकबर अली हूँ डुमरसन पंचायत से। ये डुमरसन चौकी, तो विकास का काम कितना हुआ ये बताइए? विकास का काम यहाँ अभी तक 10 सालों में नहीं हुआ है। हुआ ही नहीं जी। यहाँ MP आता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, पार्ले जी बांट के जाते हैं। किस लिए? खाने के लिए। पार्ले जी जो कुत्ता को दिया जाता है अंग्रेजों के जमाने में, जो कुत्ते खाते थे। हाँ। यहाँ के मनुष्य उस लायक हो गए हैं। 10 साल से कुछ नहीं हुआ है। एक तो रोड है फुटानी का, पानी टंकी बोले, उस रोड में जाइएगा तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कौन सा रोड बताया आपने? यहाँ इस रोड से फुटानी गंजी जस्ट यहाँ से 50 मीटर है। हाँ। वहाँ से टर्न लीजिएगा फुटानी बाजार। हाँ।
तो वो रोड चलने के लायक है और यहाँ के एमपी 10 सालों से और रोड का लंबाई 1 किलोमीटर भी नहीं है। वो रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सड़क के अलावे और भी कई पानी की सुविधा, पानी टंकी बन गई, ठेकेदारों की लूट हो गई, पानी की सुविधा नहीं है। वो जल नल योजना की बात, जल नल योजना की चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ मवेशी अस्पताल है, एक भी यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं आते हैं, दवाइयाँ ब्लैक हो जाती है। हमारे गरीब किसान जो जानवर पाले हुए हैं, जो पशु रखे हुए हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। इस बाजार पर हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं, वो 10 सालों से ज्यादा हो, एक भी PSC नहीं है यहाँ, प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है गवर्नमेंट का, होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, रोटी और रोजगार की बात होनी चाहिए, धर्म और मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अगर ये फंडामेंटल कोई देने का बोल रहा है तो राहुल गांधी का मैनिफेस्टो में है कि मैं बेरोजगारों को रोजगार देगा। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं रोजगार देगा। दूसरा पार्टी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बनाया है बेरोजगारों के लिए। हमको अलूल जलूल बातों में फंसा के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कब तक, कहाँ जाएंगे लोग? बेवकूफ बनाने का काम हुआ है। इसलिए जो रोजी रोटी का बात करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, जो सफाई की बात करेगा, जो हमारे किसानों के हक का बात करेगा, जो मजदूरों के हक का बात करेगा, उसके साथ हम लोग हैं, कोई द्वेषता नहीं। अगर मोदी जी रोजगार दिए रहते तो हम मोदी जी के साथ रहते। महाराजगंज में कौन जीत रहा? महाराजगंज में स्थिति बन रही है विकास कुमार का, आकाश कुमार का। जनार्दन सिंह सिग्रवाल से लोग शुद्ध हो गए हैं, सब्स्टिट्यूट लोग खोज रहा था। महाराज का माहौल तो ठीक ठाक है, विकास विकास के काम के बारे में सुने? विकास के बारे में सुने हम, क्या वो कह रहे हैं वो सही है क्या? इधर एकदम सही है विकास विकास विकास। यहाँ पर हम लोग जहाँ पहाए अभी राजापट्टी पंचायत में, यहाँ पर तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो बात बोले अभी मवेशी और अस्पताल का सही बात बोले। तो इस बार चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है, एकदम सही बन रहा है मुद्दा। तो महाराज का जीत कौन रहा है? महाराज को तो आकाश या फिर जनार्दन सिंह? ये तो अब समय का तो बताएंगे, तो अभी का समय क्या बता? अभी तो हम नहीं बताते, क्लियर नहीं कर सकते इस बार। पर आकाश से आकाश सिंह का तो 100% चांस लग रहा है। हम लोग युवा का सपोर्ट करेंगे और क्या। युवा को सिग्रीवाल साहब से नाराजगी है? बूढ़े लोग का सीट नहीं देना है। काम वाम नहीं किए क्या सिग्रीवाल? कोई काम नहीं है, सीधे इनकार कर रहे हैं जी। 10 साल से अब 10 साल से नौकरी मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे बताइए? नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग का पेट भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी जो है वो हम देंगे, 1 करोड़ नौकरी सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी करा देंगे। बिहार में वो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी है। आपको लग रहा है कि तेजस्वी कर पाएंगे राहुल गांधी के साथ मिलकर? एकदम कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? क्योंकि अखिलेश कुमार मेरा नाम हुआ। अखिलेश कुमार जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में यही कुछ नहीं करते अभी, बस राम भरोसे चल रहे हैं। बस राम भरोसे। इनका 60 साल से उम्र ज्यादा हो गया है, वो यूएमपी के चुनाव नहीं लड़े। इधर आ जाइए, मैं देश के सारे महानुभाव से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल पर कि जो नेता सठिया गए हैं, जो नौजवान है उनको आगे करें। ये लोग रेस्ट में जाए, ये लोग वृद्धा पेंशन उठावे। नौजवानों से बात कर लेते जी, आप वोट दे रहे हैं इस बार? नहीं, हमारा आपका नाम ही नहीं है। आपका नाम है? आपका तो नाम नहीं है, आप वोटर लिस्ट में? हाँ हाँ है। हाँ, तो बताइए महाराजगंज का मुद्दा क्या है? महाराजगंज का मुद्दा क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है। क्या करते हैं? हम तो BA DED करके फिलहाल बिजनेस कर रहे हैं। DED कर लिए हैं, DLED भी कर लिए हैं, दोनों डिग्री। तो CTET वगैरह पास? CTET भी पास कर लिए हैं। और फिर भी हम अभी नरेंद्र मोदी का जो DLED सर्टिफिकेट आया था उनका फोटो लगा के कि 18 मंथ का DLED इनवैलिड कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। उनका फोटो लगा के आया था विज्ञापन जो अखबार में, वो लोग हम लोग किए। वो बोलने बाद में कि 18 मंथ का ये है, इसको इनवैलिड कर दिए, हम लोग वंचित रह गए नौकरी से।
नौकरी से वंचित हो गए, अभी हम लोग रोड पर हैं। अच्छा, बिहार में जब शिक्षकों के नौकरी की बात हो रही है तो एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव कर रहे हैं और दावा करके कह रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां मिली। आपको क्या लगता है किसने दिया था? नहीं नहीं, तेजस्वी यादव ने दिया है। गुड, वेरी गुड, दिया है। बजाओ ताली। तो इस बार उम्मीद किससे है? इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव से है। चुनाव में उम्मीद तेजस्वी यादव से है। तो महाराजगंज का जो चुनावी मुकाबला है, जीत कौन रहा है इस बार? आकाश सिंह है। मुद्दों पर जीत रहे हैं। बजा दो। अरे आप क्या करते हैं? आप क्या हम लोग यहाँ पर दुकान वकान करते हैं। दुकान चला रहे हैं। चल रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है। तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको चुनाव में? हम लोग यही है जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे, तो आने वाला समय में बताया जाएगा। 10 सालों में कितना काम? वो तो हम लोग अभी जो देखते हैं, जो नौजवान है जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं उनके आधार पर लोग वोट करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ सिग्रीवाल का मुआम नहीं किए? वो करते थे यहाँ के लोग सब, फिर जब भी जो भी बीच में है तो जो मिल रहा है वही नाराज है। तो सब कोई नहीं कहते थे उनको वोट देने के लिए, सब बोलता कि नहीं बोलता कि हम ये कहे बोले, सब कोई वही बोल रहे हैं। आप सिंगल पर्सन? हाँ, आप भी नहीं बोल रहे? नहीं, सब कोई कहे। देखिए जो महंगाई को लेकर नाराजगी कितनी? बहुत नाराजगी है। लोग नहीं 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 बहुत नहीं, कोई हम लोग का तो यहाँ पर मीट का दुकान है, साहब आबरा थप भी महंगा हो। हाँ, साहब भी थप्पा है। आपका क्या नाम है? शंभू कुमार राय। क्या माहौल है? ठीक है, ठीक है। क्या माहौल? माहौल ठीक है। हाँ, महंगाई का कारण आदमी है ना, झूलो पर इधर देखते हैं कैमरे पर देखते हैं। महंगाई का कारण? महंगाई का? हाँ, 60 साल पहले इतना महंगाई नहीं था, लेकिन 10 साल मोदी जी के राज में इतना महंगाई हो गया है। तो मोदी जी फिर से कह रहे हैं कि हमारे 400 पार करके? 400 पार नहीं, 400 के नीचे आइए। 200 पर आओ। हाँ, 200 पर आइए। अच्छा दुबे जी बताइए कितना पर आ रहे हैं? 200 के नीचे रहेंगे मोदी जी। चुगलाबाजी करने से नहीं होगा आपको। 200 के नीचे रहेंगे। 15 लाख भी बोले थे कि 15 लाख मिलेगा, तो कितना मिला है? 2 करोड़ खाता में आया, तो वही पूछ लीजिए किसके खाते में आया। जनधन वाला अकाउंट नहीं खुलवाया क्या? लाइन में लग के 200 रुपए देके खुलवाए थे कि 15 लाख इसी में आएगा। 15 रुपए तो आए नहीं, और जो 1500 खाते में थे वो भी निकलवा दिए नोटबंदी में। वोट दे रहे हो सर? सर सर, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन? अभी तक प्रधानमंत्री, फेकू प्रधानमंत्री, जुमलाबाज प्रधानमंत्री, जो जो कहे हैं एक भी काम हुआ है? अगर एक भी काम आप मीडिया वाले बताएं कि मोदी जी कहे और हो गया, ऐसा नहीं है सर। इसलिए मोदी जी 400 पार का अगर ईवीएम का सहारा नहीं ले, तो ये जो दोनों स्टेट में पिछले बार विधानसभा का चुनाव वो सरकार बनाए बीजेपी का, राजद का बहुमत में वो लोग तेल बेल करके 3 बजे रात तक ईवीएम बदलने का काम किया। ईवीएम का सहारा लेते हैं और सरकार तेल बेल करके बनाते हैं। मोदी जी एनडीए के नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं, ईडी और सीबीआई का मिसयूज करते हैं। आप हमारे यहाँ एक नेता का ईडी लगा करके उसको, यही दिन था उसको जेल जाने का। हमारे तारकेश्वर सिंह आदरणीय विधायक, उनको कांग्रेस का टिकट मिलने वाला था, ये लोग तेल बेल मिल गया था और उनको जेल भेजवा दिया 25 साल के केस में। यही तो कर रहे हैं मोदी जी। आप मेरा बात मान लो, नहीं तो डरवाएंगे। बब्बर शेर वाली कहानी है, गब्बर सिंह टैक्स लेके आए हैं, बब्बर सिंह वाला बात है। आप जिस तरह मान लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी देश के लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए जी, बोलिए। ये जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर बात कर रहे हैं, वो लोग आखिर जो बीजेपी के साथ जाते हैं, वो कैसे ये सबसे आउट हो जाते हैं जी? आपको क्या लगता है? एक भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि को बताइए जिसके पीछे ईडी छूटा हो। हमारे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट कहा कि एक भी साक्ष्य नहीं मिला, बेल मिला, पेरोल पर आए, फिर जाएंगे। आप बताइए कि जो बीजेपी में अभी चला जा रहा है वो साफ हो जा रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा है वो आप भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, मोदी के खिलाफ बात करिए, आप देशद्रोही है। चाहे अभी तो थोड़ा सा आप हट जाइए, देश के बारे में बात करिए, देश हित के बारे में बात करिए। मोदी जी जी, पहले इनको बोल लेने दीजिए जी जी, जिस व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर खिलाफ बोले
तो आपका खैरियत नहीं है। मोदी जी के प्री प्लान के बाद पुलवामा अटैक हुआ, हमारा जवान मरा, आज तक प्रधानमंत्री जवाब कहे नहीं दिया कि जवान क्यों मरा, काहे मरा, उसका दोषी कौन है, हम बेवकूफ है ना कि बालाकोट करवा दिए, तो सबको फांसी दे दो। जितने अफसर थे आरटीएस तुम्हारे गाड़ी में पहुंच गया, तुम कहाँ है? बॉर्डर पर गरीब बाप के बेटे जाते हैं, तुम्हारा बेटा है बॉर्डर पर हमारे जान से खेलने वाला? ये प्रधानमंत्री आज जवाब दे कि पुलवामा अटैक अगले चुनाव में हुआ तो उसका दोषी कौन है और उन लोगों को फांसी दिया जाए, क्यों देगा? इसलिए कि उसका पूरा मनगढ़ंत कहानी है, देश को जहाँ ले जा रहा है यहाँ से कोई जाने वाला नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बताओ शिक्षा की बात कभी हुई? बिहार में एक नेता है उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई लगी, तेजस्वी यादव जी जी, शिक्षा की बात करें, नौकरी रोजगार की बात करें, क्या लगता है चुनाव से पहले वो भी? जी अभी लगी हुई है लेकिन जाएंगे नहीं सर। एक आदरणीय पूर्व मंत्री श्री लालू यादव एक चारा घोटाला में 7 बार जेल गए, 7 बार, और उसी चारा घोटाला के करने वाला नेता बीजेपी में है, उस पर एक भी कोई मुकदमा नहीं। किसका नाम बताओ? शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी आरजेडी में ही है जी, बीच में गए थे। नीतीश कुमार किधर है? ये भी कहे को केस नीतीश कुमार पर, वही तो है जगन्नाथ मिश्रा थे ना, जगन्नाथ मिश्रा थे, दूध के झोले थे, बीजेपी में थे, तो जो बीजेपी में चला गया वॉशिंग मशीन से साफ हो गया। अब आपको लंबी फुटेज मिली, अब बाबा से बात किया जाए, ये बताएंगे क्योंकि इन्होंने लंबे वक्त तक कांग्रेस का भी शासन किया और सिग्रीवाल साहब को भी देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पता सवाल सिलवा मोदी भाई को कैंची लेकर घूमता है, मोदी भाई हमारा, मोदी भाई कैंची लेकर, हाँ मोदी भाई सिलवा ये लोग विकास करने वाला, क्या करेगा लोग, तो भैंस रखे गाय रखे कथा करना है, पढ़ल लिखल पकौड़ी के दुकान पर आई लगा को भैंस राजू, यह बात है सरकार का बात का जवाब दे, इस बार चुनाव में जवाब तो वोट से दे रहा है, हम तो कांग्रेस को देंगे। आप पूर्व से कांग्रेसी है या फिर? हमारा 105 वर्ष की उम्र हुआ, 105 वर्ष का। क्या नाम बताया आपने? गणेश प्रसाद चौहान। 70 मार चुके हैं, 105 वर्ष उम्र है इनका। अब चलिए आपसे बिहार के बारे में, बिहार में लालू का लड़का वोट दीजिए, लालू का लड़का काम करते हैं, खूब काम करने वाला है, उनको देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो 70 पार कर चुके हैं, हम क्या करते हैं भगवान का इतिहास। तो पलटू भाई हमारा है, लड़का अपना एक को आप करें कैंची वाला है, दूसरे को कर रहे हैं पलटू भाई, दोनों भाई हैं आपका? भाई है, दोनों भाई है। अब फर्स्ट टाइम वोटर से बात, क्या नाम है आपका? तौसीफ रजा। तौसीफ, क्या मुद्दा है इस बार? देखिए हम लोगों का तो जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी युवा होता है, उसके पास अगर रोजगार नहीं होगा तो क्या कहेगा? कोई भी समाज का लोग प्रेम से नहीं देखेगा उसे, उसको नफरत की निगाहों से देखता है, कहते नकारा है, ये है वो है, और युवा जो है अलग रास्तों पर भटक जाएगा, उसको रोजगार नहीं लेगा, वो अपने परिवार को नहीं संभालेगा, तो क्या कहेगा उसके परिवार? क्या कहेंगे कि ये नकारा हो गया है या ये हमारे लिए नहीं है, उसको मतलब गलत निगाहों से देखने लगते हैं। अगर हम रोजगार के लिए आज वोट नहीं देंगे तो क्या होगा कि कल को वही लोग मतलब नेता लोग ही कहेंगे कि जब तुम अपने लिए नहीं सोच रहे हो तो हम तुम्हारे लिए क्यों सोचे, यही बात है कि हम तुम्हारे लिए क्यों सोचे, तो इसलिए हमें अभी मौका मिला है तो इसलिए हम अपने लिए अब सोचे वोट करेंगे और देश के लिए भी वोट करेंगे। टाइम वोटर जी जी, देश के लिए जी जी, मोदी के साथ या राहुल की तरह? नहीं देखिए मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखिएगा, आप कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो देखिएगा, तो आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कहीं भी आपको देश आगे ले जाते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखिए एनएसपी का भी वो लोग हर एक चीज के मुद्दे में जो अभी अभी जो मुद्दे आए हैं सभी पे ध्यान दिया गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में,
जैसे कि किसानों के बारे में दिया गया है, अग्निवीर योजना है उसमें भी ध्यान दिया गया पढ़े जी बिल्कुल, अग्निवीर योजना है, किसानों का एनएसपी का जो है गारंटी जो है वो भी उस पर कांग्रेस बात की है, और बहुत अग्निवीर जैसे 4 साल के लिए लाए हैं तो उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस बात की है। हमारे लिए तो सबसे बढ़िया वही है, अगर मान लीजिए हम जाएंगे 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा हमें कौन पूछेगा। चलिए अब एक एक कर जहाँ यहाँ जितनी जनता उससे पूछ लेते हैं महाराजगंज कौन जीता है, एक शब्द में आकाश या सिग्रीवाल? आकाश। आप बताइए आकाश, आप कौन जीता? आकाश। आकाश 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 जहाँ विकास होगा वही आकाश, विकास होगा वही आकाश होगा। और इन लोगों से बात कर लेते कौन जीत रहा? आकाश सिंह है। आकाश सिंह कौन जीत रहा है? यहाँ से तो सिग्रीवाल जीत रहा है। सिग्रीवाल सिग्रीवाल अरे मिला अभी भाई, आओ भाई आप सामने वाले। ये लोग कह रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नजर नहीं आते, वो काम नहीं करते हैं। आएंगे आएंगे क्षेत्र में आएंगे वोट के वक्त ना, विकास की बात कर रहे हैं। आते हैं जाते हैं तो मुलाकात होता है उनसे। विकास वगैरह विकास तो अब तो दिख रहा है, विकास तो हुआ है रोड देखने सवालों का। अरे कोई बता रहे थे विकास नहीं हुआ, ये बता रहे हैं विकास हुआ है, बताइए आकर भाई। आइए कोई जानकारी नहीं है, मास्टर साहब बताएंगे। आइए मास्टर साहब बताएंगे, विकास कहाँ विकास हुआ है, चलिए हमारे मार्केट में चलिए उस रोड में हम विकास दिखाते हैं। यहाँ के प्रत्याशी का विकास और भाजपा का विकास, गाड़ी चलाने में दिगल नुकुड़िया गिर जाएंगे। अभी भी लेकर चल चलिए, हमारे यहाँ के प्रत्याशी का विकास दिखाई दे देगा, घूम लीजिए। मोदी जी का विकास दिखाई दे देगा। दिन में आते हैं 50 मीटर सर, दिन 50 मीटर। आई अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट टू यू प्लीज यू सी इन द, आप बोलना चाहते हैं उनको बुलाइए यार। तो ये महाराजगंज की जनता, महाराजगंज के मुद्दे, जमीनी स्तर से जुड़े लोग जो ये बता रहे हैं विकास के काम कितने हुए, जो ये बता रहे हैं कि सिग्रीवाल से संतुष्ट कितने हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बार महाराजगंज जीतेगा कौन, आकाश सिंह या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मसरक सारण।